हेलो फ्रेंड्स, आप जी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो अज की वीडियो के विच असी डिस्कस करांगे कुछ प्रॉब्लम जो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो पटवारी अते होर जिहड़े जिलादार प्लस अदर जिहड़े फॉर्म्स निकले हैं अंडर ट्रिपल एस बी। सो ये सब तो आ रही थी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, पहले आ रही थी डॉक्यूमेंट अपलोड होने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी कि बच्चों का जो डॉक्यूमेंट अपलोड करता सी कोई भी बच्चा अपने डिफरेंट डिफरेंट बेशक वो उन्होंने फोटो है, साइन है या 10th ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स ने, वो अपलोड नहीं हो रहे थे, पेज बार बार रिफ्रैश हो रहा है। वो फिलहाल ऑल ओवर सोल्यूशन हो गया। अगर किसी बच्चे का नहीं होया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के एक वट्सअप ग्रुप मिलेगा, तुम उन्होंने ज्वाइन करके अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लै सकते हो। सैकेंड हूँ जी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, वो ये आ रही है कि उन्होंने फीस नहीं पे हो रही, कोई ना कोई एरर शो हो रहा, इनवैलिड प्लस फीस का अगेन नेक्स्ट पेज ही नहीं जा रहा। ठीक है, तो अदर भी एरर शो होंगे पे ने। सो उन्होंने सोल्यूशन भी तुम उस ग्रुप के प्रोवाइड किया जाऊगा। तो मैं तुम्हें इस वीडियो से भी दसूंगा कि तुसी अगर फीस पे करनी है तो फीस तुसी किवें पे करनी है, प्रॉपर स्टैप्स देख लियो। हो सकता है तुहाडा कोई स्टैप ही गलत हो जाए उस कारण तुहाडी फीस ना पे हुंदी होए, इनकलूडिंग अगर तुसी गूगल पे, फोन पे या पेटीएम वगैरह या अदर कोई यूपीआई यूज़ करते हो उहदे थ्रू भी अगर तुसी पेमेंट करनी है, किवें पेमेंट करनी है, अगर तुसी नैट बैंकिंग यूज़ करते हो या अदर कोई बिच बिच अपने जिहड़े हैगे कंपनीज दे कार्ड यूज़ करते हो, उन्हां दी पेमेंट भी लगती है, एक्सट्रा चार्जेस लगते हैं। सो वो विदाउट पेइंग एनी चार्जेस तुसी फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी जिन्नी पेमेंट बनती है उन्नी किवें पे करनी है, वो भी सारा कुछ तुहानू इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो उसके लिए तुसी ट्रिपल एस बी वैबसाइट पर चले जाना, इतने जिते लिंक बनया हुआ पटवारी का इतने तुसी क्लिक कर देना जी। क्लिक करके इतने तुसी लॉगिन कर लेना, लॉगिन डिटेल्स है पॉपअप आऊगा, तुसी इहनू यस कर देना। उस तो बाद तुसी इतने अपनी लॉगिन डिटेल्स फिल कर दी, लॉगिन डिटेल्स फिल करन तो बाद तुहाडा देखो लॉगिन हो गया। आफ्टर थर्ड डे तुहाड़ा फॉर्म फिल करन तो बाद ये वाला लिंक है जिहड़ा इनेबल होगा। ठीक है जी, थर्ड डे तो तुसी की करना, इहदे उपर क्लिक कर देना। क्लिक करन तो बाद उस तो बाद तुहाड़ा ये वाला पेज ओपन हो जूगा, तुसी नीचे स्क्रोल डाउन करना है, इत्थे टर्म्स एंड कंडीशन नूं सैटिस्फाई करके तुसी प्रोसीड कर देना। प्रोसीड करन तो बाद तुहाड़ा नैक्सट कई बार एरर आ जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुसी पेज नूं रिफ्रैश कर लो, नहीं हुंदा एक बार बैक आ जाओ। समटाइम ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम या सर्वर प्रॉब्लम आ जाता है। हाँ देखो दोबारा मैं नेक्स्ट किया, पेज आ गया इतने। हम देखो ये फिर शो नहीं हो रहा, एक बार फिर तो रिफ्रैश कर लें। तुम्हें पता है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी विच बच्चे फॉर्म फिल करते पे ने, तो इस कारण कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। आप दोबारा इतों नेक्स्ट कर लें जी, तुम्हें दोबारा नेक्स्ट करके टर्म्स एंड कंडीशन सैटिस्फाई करके प्रोसीड करना है। आ देखो जी हूँ आ गया। सो कई बार ड्यू टू सम कंजेशन, नेटवर्क कंजेशन ने प्रॉब्लम आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हूँ पटवारी की फीस वास्ते तुम ना चो कि वाला लिंक इनेबल करना है, आप पहले वाला इनेबल करना है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 101। मैं नाल तुहानू शो भी कर दिना क्यों, मैं थे वैबसाइट एक बार तुहानू ओपन करके दस दिना। ठीक है जी, ऑनलाइन एप्लीकेशन से जाना तुसी। आ देखो इत्थे दस्या होया आ वाली चीज़, एडवर्टाइजमेंट नंबर 12021। आ देखो सेम उही है जी, आप चूज़ कर लिया। इत्थे तुसी अपना एक एप्लीकेशन नंबर फिल करना उही जिहड़ी तुसी फीस पे करनी है जी। उस तो बाद तुसी अपना इत्थे पासवर्ड फिल कर देना जी। ठीक है जी, पासवर्ड फिल करन तो बाद, पासवर्ड मीन टू से तुहाडा डेट ऑफ बर्थ, इत्थे तुसी फिल कर देना अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मीन टू से जो तुहानू मिलिया सीगा तुहाडे। अगर तुहानू रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तुहाडे कोई या पासवर्ड नहीं है, तुसी ग्रुप नू ज्वाइन करके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लै सकते हो, इहनू तुसी सबमिट कर देना जी। ये एरर काफ़ी ज़्यादा कैंडीडेट्स नू आंदा पिया। ठीक है जी, अगर ये एरर तुहानू आंदा पिया तुसी अपना इहदा 101% सोल्यूशन लै सकते हो। ठीक है जी, उहदे लई मैनू तुहाडी लॉगिन डिटेल्स चाहिए है, और जदों फर्दर मैं तुहाडे नाल गल करूँगा तुहाडी लॉगिन डिटेल्स लैके, तो जो भी फर्दर प्रोसैस है तुहानू दस दूंगा। सो मैं इत्थों बैक करन लगा एक बार। ठीक है जी, एक बार फिर तो आपां इहनू कर लैने लॉगिन, मैं लॉगिन करके तुहानू पूरा शो करदा, हुण तक मैं इत्थे वीडियो नू थोड़ा पोज कर दिंदा। सो आ जी तुहाडा नैक्सट पेज ते आ जाऊगा। नैक्सट पेज ते जाण तों बाद तुसी नीचे अपनी डिटेल्स भरनी है, जो तुहाडी डिटेल्स उपर है उही तुसी थले फिल करनी है, जो तुहाडा नाम तुसी फिल किया होया सेम ऐसे आना चाहिए। ठीक है जी, तुहाडी इत्थे डेट ऑफ बर्थ आ जाऊगी, इहनू भी तुसी प्रॉपरली चूज़ करना है जी। उस तो बाद जिहड़ियां भी डिटेल्स तुहाडियां हैगियां तुसी एज इट इज़ भर के, तां उस तो बाद नीचे कैप्चा दिता होया तुसी कैप्चा फिल कर दो। कैप्चा जिदा दिता होया तुसी इवें ही फिल करना, अगर समॉल है तो समॉल विच, अगर कैपीटल तो कैपीटल विच। उस तो बाद तुसी सबमिट ते क्लिक कर देना। आफ्टर सबमिशन तुहाडी सारी डिटेल इत्थे शो करूगा, उस तो बाद तुसी कन्फर्म ते क्लिक कर देना। कैटेगरी के अकॉर्डिंग तुहाडी फीस आऊगी, कोई प्रॉब्लम आती है तुसी डायरेक्टली इस नंबर पर भी वट्सअप कर सकते हो, कन्फर्म कर देना तुसी।
कन्फर्म करन तो बाद आ देखो जी पेमेंट पेज आऊंगे तुहाडे। स्टेट बैंक के चार्जिज दस्या होया 12 रुपए है अप्रोक्सीमेटली, अदर बैंक के 18 रुपए है। स्टेट बैंक डेबिट कार्ड का कोई चार्ज नहीं है, अदर बैंक का कोई चार्ज नहीं है। क्रैडिट कार्ड के 13 रुपए चार्जिज है, प्रीपेड कार्ड के 13 रुपए चार्जिज है, फोरन कार्ड डिसेबल्ड है बैक एंड तो। UPI का कोई चार्ज नहीं है, नैफ्ट करनी है RTGS करनी है 15 रुपए चार्जिज है, SBI ब्रांच के 60 रुपए चार्जिज है। हुण तुसी गूगल पे वगैरह किदा करना है यदि वीडियो मैं पहले ही तो अपलोड कर चुका हूँ, तो साढ़े चैनल पर जाके उन्होंने देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा सौखा मैथड है, ईजी मैथड है। अगर मैं कॉमन गल करा, गूगल पे अजक हरेक परसन यूज़ करता है। मेरे कॉन्टैक्ट में नीयर अबाउट अगर 1000 बंदा है, 1000 में 950 बंदा जोड़ा है वो गूगल पे का यूज़ करता है। तो बाकी कई फोनपे यूज़ करते हैं, कई पेटीएम यूज़ करते हैं, मेरे वर्गे सारे मोड्स ही यूज़ करते हैं ऑनलाइन पेमेंट से। ठीक है जी, तो यदी वीडियो मैं अलग तो बनाई हुई है, थोड़ा प्रोसैस अलग है, तो देख लैनी है। फिलहाल मैं तुम्हें डेबिट कार्ड दसूँगा। डेबिट कार्ड और ATM कार्ड में ही कहते हैं, काफ़ी बंदे कन्फ्यूज़ हो जाते तो इतने अदर बैंक डेबिट कार्ड से क्लिक कर देना। क्लिक करन तो बाद नैक्सट जोड़ा पेज आऊगा वो जड़िया भी डिटेल्स है तुम्हें ध्यान दिख लैनी है। ये अपने कार्ड की डिटेल भरनी है जी, जोड़ा भी थोड़ा कार्ड है। यू कैन यूज़ एनी बैंक डेबिट कार्ड, एक्सिस बैंक हो गया, SDFC बैंक हो गया, PNB बैंक हो गया। मैं इतने एक होर चीज़ तुम्हें कहना चाहवागा, OBC जोड़ा है बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कमर्स, ये थ्रू पेमेंट ना करो, पेमेंट फस जाए रिफंड भुल ही जाओ जी। क्यों? बिकॉज ये बैंक मर्ज हों पाया PNB बैंक के, मेरा खुद पेमेंट दो मैं कीतियां सी, अपनियां ही कीतियां सी, पेमेंट फसिया हुई, पहले भी पेमेंट्स कीतियां हुई, मैं पेमेंट फसिया पर अज तक रिफंड नहीं हुए। ब्रांच जाओ, ब्रांच वाले पूछो ही ना जी, वो तो साढ़े रिस्पैक्टेड PMG बने हुए, बोलवाणी उन्हों की इन्नी प्यारी है, तो समझदार हो मैं की कहना चाहना। प्रॉपरली बंदे ना गल नहीं करनी, ना प्रॉपर गाइड करना, ठीक है जी। इस करके मैं तुम्हें प्रैफर करता पाया OBC का यूज़ ना करो, यू कैन यूज़ एनी अदर बैंक। ठीक है जी, सेंट्रल बैंक भी ठीक है ना, सारे ने पेमेंट की हुई है, हो जाती है। उस तो बाद इतने अपना CVV नंबर भरना है, नीचे कैप्चा दिता हुआ है, तुसी कैप्चा फिल करके इतों कर देना पे। पे करन तो बाद इतने आप क्लिक कर देने, एक बार कैप्चा एक बार देख लें, कैप्चा ठीक है। सो इतने तुसी क्लिक कर देना जी, डिटेल्स वगैरह एक बार चेक कर लें, कार्ड की डिटेल्स, कार्ड की एक्सपायरी, नाम, अकाउंट होल्डर, सब कुछ डन है जी। एक बार चलो फिर यूज़ कर लें आप, उस तो बाद पे कर देना तुसी। इतने ड्यू टू सम प्रॉब्लम आ देखो इतने नहीं हुंदा पिया, इन रीफ्रैश कर लें, देखने रीफ्रैश हुंदा पेज। तो कई बार इदा दी प्रॉब्लम आ जाए कोई गल नहीं, तुसी दोबारा अपनी डिटेल्स वगैरह भर के तुसी इनू रीफ्रैश कर लो। कैप्चा कई बार नहीं चकदा तो कैप्चा देखो रीफ्रैश बनया होया, तुसी रीफ्रैश करके भी कैप्चा नू ठीक है जी ठीक कर सकते हो। उस पे कर देना देखो, हुण पेमेंट साडी इत्थे नैक्सट पेज आन लग पिया। उस तो बाद जिहड़ा भी तुहाडे बैंक का ATM है, ठीक है जी, डेबिट कार्ड है, ऑटोमैटिक उपर देखो बैंक शो करता है, जिदा मेरा है जी PNB बैंक का मास्टर कार्ड है जी। उस तो बाद मेरा मोबाइल नंबर इतने शो करता पाया, लास्ट भी जो 5193 है, तुसी सबमिट कर देना। एक चीज़ याद रखो इंपोर्टेंट है तुहाडे लई, अगर तुहाडा ब्रांच दे विच फोन नंबर तुहाडे अकाउंट दे नाल लिंकअप नहीं है तो तुहाडी पेमेंट नहीं होनी। ये भी नहीं कि हाँ इतने तुसी अपना ही डेबिट कार्ड यूज़ करना है, तुसी किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, अपने फ्रेंड का भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स ये पूरा प्रोसैस, जब तुसी इतने क्लिक करोगे नाल दे नाल तुहाडा एक फॉर्म जनरेट हो जाता है, तुसी उन्हें डाउनलोड कर लेना है, ये पूरा प्रोसैस। हुण इस तो बाद दी फर्दर प्रोसैस की है, काफ़ी बच्चे समझते भी इतने तक डन हो गया, उस तो बाद तुसी की करना है नैक्सट डे आफ्टर 24 आवर्स, कई बार वध टाइम भी लगता पे, 48 घंटे भी लगते पे है। मैं फॉर्म फिल किया 48 घंटे बाद एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होया सी। तुसी की करना है आफ्टर 24 आवर्स लॉगिन करके देख लियो, 24 घंटे बाद तुहाडा एक उत्थे एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होना है। कित्थे होना भी देख लो, मैं वैबसाइट पर गए, अगेन इतने क्लिक किया, क्लिक करन तो बाद जो इतने क्लिक करते हो जो तुहाडी फीस कन्फर्म हो जाती है तो तुहाडा इतों बैंक चलान, ठीक है जी। बैंक चलान तो जिहड़ा हैगा वो तो हो नहीं ना, बिकॉज क्यों, आपां ऑनलाइन पेमेंट की है, तुहाडा जिहड़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो जनरेट हो जाना है, लेकिन वो अदू ही जनरेट होना है जदों तुहाडी फीस बैकएंड ते कन्फर्म हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरा प्रोसैस इसनों करके देखो, कोई भी किसी भी तरह की अगर तुसी प्रॉब्लम फेस करते हो कमेंट सैक्शन के कमेंट करके, या जिहड़ा मैं तुहानूं ग्रुप दस्या है तुसी उहनूं ज्वाइन करके अपनी फीस साढ़े थ्रू भी पे करवा सकते, अपने फॉर्म साढ़े थ्रू भी पे करवा सकते, डुप्लीकेट एंट्री हो गई है वो भी तुसी सल्यूशन लै सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैलेबल टाइम।